Dear students, welcome to my YouTube channels. Today I will teach you how to introduce yourself. आज हम आपको बताएंगे कैसे अपना परिचय देते हैं, ठीक है? कि लिखा है how to introduce yourself. Introduce का मतलब है परिचय देना, ठीक? Introduce मतलब introduction से बना है, introduce, ठीक? Yourself means होता है अपना, स्वयं का, ठीक है? पहले कुछ होता है कि जब भी कोई पूछता है कि सर हम परिचय इंग्लिश में नहीं दे पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है हमको. तो आज हम इसके बारे में बताते हैं, ठीक है? आज इसके बाद में कहाँ पे क्या मिस्टेक होती हैं कि आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करना, ये मिस्टेक है कि इंट्रोडक्शन अपना डायरेक्टली हम क्या है नाम बताना स्टार्ट कर देते हैं. हमें क्या आता है, नाम नहीं बताना रहता है, ठीक? उसके पहले हमें कुछ बोलना रहता है, ठीक? क्या बोलना रहता है, हम बिना बैठ के हम लोग सीधा स्टार्टिंग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट आता है आपका ग्रीटिंग. ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन करना, ठीक है? ग्रीटिंग में बोला जाता है, एक्चुअली ग्रीटिंग होती है देयर आर टू टाइप्स, एक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल में क्या रहता है कि हमें किसी अदर पर्सन जो बोलता है कि अनजान पर्सन, ठीक है, या हमसे कोई बड़ा है, तो उसके लिए यूज करते हैं फॉर्मल. इनफॉर्मल यूज करते हैं किसके लिए, फ्रेंड के लिए, ठीक? फ्रेंड के लिए जैसे आप मोबाइल पे बोलते हो हाय हेलो करते हो व्हाट्सएप पे, तो क्या बोलते हैं, हाय हेलो सिर्फ फ्रेंड के लिए बोला जाता है. अपने से बड़ों के लिए हाय हेलो नहीं बोला जाता है. इसका जो इम्पैक्ट जो पड़ता है, इसका गलत पड़ता है, ठीक है? कि अदर पर्सन जो आपके मतलब फ्रंट में रहेगा, मतलब आपके जो सामने रहेगा, वो समझ जाएगा कि आपको बोलने का तरीका नहीं आता है, ठीक? तो क्या हमें यूज करना है, ज़्यादातर आप हैबिट बनाइए ये कि आपको ज़्यादातर बोलना है फॉर्मल के बारे में. तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, अगर सुबह का समय है, दोपहर का समय है गुड नून सर, अगर शाम का समय है गुड इवनिंग. तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर. एंड फिर बोलेंगे सेकेंड पॉइंट पे थैंक यू. थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, ठीक है? धन्यवाद होता है, इसलिए धन्यवाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी कोई पर्सन पूछता है ना, तो उसको मतलब पूछने के लिए धन्यवाद मतलब ये बोला जाता है, ठीक है? तो इस मतलब हमें उसको धन्यवाद देना, मतलब चाहते हैं कि हमें मतलब उसने हमारा इंट्रोडक्शन पूछा, इसलिए धन्यवाद दिया जाता है, ठीक है? तो कह रहे हैं ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग सर, गुड नून सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू, ठीक? फिर बोलते हैं नेम में होता है आप, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना नाम बताना, ठीक? कहते हैं सर, क्या बोलेंगे, सर माय नेम इज मोहन, ठीक? सर माय नेम इज मोहन वर्मा लिख लिया, ठीक या मोहन सिंह लिख लिया, ठीक? जो भी, ठीक? सर माय नेम इज मोहन सिंह. आप दूसरा भी बोल सकते हो, सर आई एम मोहन सिंह, ठीक? ओके, या मोहन सिंह या मोहन वर्मा, कुछ भी, ठीक? या ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज मोहन, ठीक? या तीन तरीके से बोल सकते हो, ठीक? या माय नेम इज मोहन वर्मा, आई एम मोहन सिंह, या मोहन वर्मा, दिस इज मोहन, ठीक? या आप तीन सेंटेंस बोल सकते हो. फिर हम आते हैं प्लेस पे. फोर नंबर पे क्या आते हैं, आपका एक नंबर हो गया ग्रीटिंग, थैंक यू, नेम एंड प्लेस पे आ गए, ठीक? तो प्लेस में जहाँ के आप रहने वाले हो, तो रहने के लिए पहले हम क्या बोलते हैं, सर आई एम फ्रॉम, आप जहाँ के रहने हो, या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो उत्तर प्रदेश, ठीक है? ओके, ठीक. और फिर अगर जैसे आप आप दिल्ली के रहने वाले, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक? मतलब ये मैं यहाँ विलेज में रहता हूँ, यह आपका सिटी का नेम आ गया, ठीक? तो
इन दोनों को एक जगह में कम मतलब इनमें मर्ज करना है, ठीक। आपका जैसे अपने विलेज का नेम में बता रहे हो, अपने सिटी का नेम बता रहे हो, अगर अपने सिटी का नेम बता अपने स्टेट का नेम बता रहे हो, मतलब ये रहता है, ठीक। देखिए यहाँ तक समझ में आया, आप लिख सकते हो, आप अपनी स्क्रीन शॉट लिख सकते हो, ठीक। इसके बारे में बताते हैं, ठीक। देखिए अब बताते हैं हम आपको एट और इनका यूज कहाँ होता है। एट का यूज होता है स्मॉल प्लेसेस के लिए, ठीक। इनका होता है यूज बिग प्लेसेस के लिए, या बिग सिटी आपका या कोई बिग प्लेस, ठीक। ये देखिए ये सेंटेंस आपका बनेगा आई लिव एट, यहाँ पर अपने विलेज नेम, ठीक, और फिर यहाँ पर इन, फिर अपना आपका ये आपका सिटी का नेम, ठीक। देखिए मेरा जिससे विलेज का नेम पड़ता है आई लिव एट बेनीगंज, ठीक, इन हरदोई, ठीक। तो आपका ये हो गया आई लिव एट बेनीगंज इन हरदोई, ठीक। अगर आप जाते हो अदर स्टेट में तो अदर स्टेट के लिए क्या यूज करोगे, देखिए अदर स्टेट के लिए क्या यूज करोगे, देखो तो बोलेंगे आई लिव एट हरदोई, हरदोई, हरदोई इन इन यूपी या उत्तर प्रदेश, ठीक। अगर आप विदेश में जाते हो, जैसे आप हरियाणा से हो तो उसमें आई लिव एट गुड़गांव इन हरियाणा, आप दिल्ली से हो आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, आप बिहार से हो आई लिव एट आप आई लिव एट पटना इन बिहार, ठीक। अगर आप जाते हो फॉरेन में, फॉरेन बोले तो विदेश में, तो विदेश में जैसे इंट्रोडक्शन देने जाते हो, जैसे आपको गए ऑफिस में तो क्या बताओगे, ये आपका लिखा, देखिए आप वीडियो देख रहे हैं आप लिखते चलिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे आई लिव, यहाँ पर आपका स्टेट का नेम, अगर आप विदेश से किसी से बात कर रहे हो, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेट नेम आई लिव एट हरियाणा, ठीक, ये आपके स्टेट का नाम हो गया। फिर यहाँ पे आप अपने देश के नाम इन इंडिया, ठीक, ओके, यू आर गेट यू गॉट इट दिस पॉइंट। मैं आशा करता हूँ आप लोग इतने पॉइंट समझ गए होंगे। तो कहाँ पहले आपको ये चार पॉइंट बता देते हैं, पहले आता है ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग या गुड इवनिंग सर, थैंक यू। फिर नेम है सर, माई नेम इज मोहन वर्मा, सर आई बिलोंग टू या आई बिलोंग टू बेनीगंज, आई एम फ्राम बेनीगंज या आई लिव एट हरदोई, आई लिव एट हरियाणा इन इंडिया, ठीक। आप यहाँ तक समझ गए ना। फिर सिक्स पॉइंट पे आता है आपका, अगला पॉइंट आता है पांचवें नंबर पे, अगला आता है आपका प्रोफेशन, पांचवें नंबर पे आता है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है जो आप वर्क करते हो, जैसे आप करंट में क्या कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो तो क्या बोलेंगे, आई एम स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, ठीक। यदि आप शॉपकीपर हो मतलब दुकानदार हो तो आई एम शॉपकीपर, ठीक। यदि आप टीचर हो तो आई एम अ टीचर, क्या हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर देखिए तो लिखेंगे आई एम
टीचर, ठीक। आप ड्राइवर हो तो क्या लिखेंगे? यहां पर क्या है ना, आप चेंज करते, आप जो भी हो आप यहां पर चेंज करते चले जाइए, ठीक। यहां पर लिखेंगे आई एम ड्राइवर, आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट, आई एम शॉपकीपर, आई एम, यदि आप मिस्त्री हो तो आई एम मेसन, आप कारपेंटर हो तो आई एम अ कारपेंटर, ठीक। ये आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आते हैं हम कहाँ पे, देखिए ये यहाँ तक समझ गए, आपका ये लिख गया होगा, तो हम थोड़े से पॉइंट मिटाना चाहेंगे, फिर आपको अगले पॉइंट बताते हैं, ठीक। सिक्स नंबर पे आइए, हम लोग बताते हैं क्या। सिक्स नंबर पे आपकी आ जाती है एजुकेशन, ठीक। एजुकेशन मतलब जहाँ तक आप पढ़े लिखे, फिर बोले हैं क्वालिफिकेशन। एजुकेशन की आप हिंदी में यूज करो तो इसकी शिक्षा होती है, क्वालिफिकेशन की मतलब योग्यता होती है, दोनों का मतलब एक ही रहता है, ठीक। जैसे आप अभी ने, अभी तक क्या आपने कर लिए हैं एजुकेशन में, जैसे आपने कर लिया है या आई हैव डन, क्या बोलेंगे, आई हैव डन। आपने टेंथ कर लिया है, आई हैव डन, आई हैव डन टेंथ स्टैंडर्ड, ठीक। या आप दसवीं, या आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं तो आई हैव डन ग्रेजुएट, क्या बोलेंगे। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो बोलेंगे आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक। ये हो गया। अगला है, अगर आप कोई करंट में चीज कोई कर रहे हैं, जैसे अभी आप हाई स्कूल या इंटर में गए हैं, ठीक, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, देखिए इसके लिए क्या बोलेंगे, सर आई स्टडी इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, ठीक। या आप ऐसे भी बोल सकते हो आई स्टडी इन क्लास ट्वेल्थ, ठीक ठीक, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। अगला है, जैसे आपका कोई चीज़ चल रहा है, आप जैसे ग्रेजुएशन चल रहा है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, आपकी कोई टीचिंग डिग्री चल रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आई एम, क्या बोलेंगे, आई एम परसुइंग, क्या है, परसुइंग, आई एम परसुइंग, आई एम परसुइंग बीए, या आपका बीएससी जो भी चल रहा है, ठीक, या आपका बीएड, ठीक, ये जो भी चल रहा है, तो इसमें डाला आई एम परसुइंग बीए बीएससी बीएड, ठीक, आपका ये जो करंट में चल रहा है। अगला पॉइंट आता है आपका चला पड़ा था, ये आपका हो गया यहां तक, ठीक है, इसको हम मिटा देंगे, ठीक। जस्ट सेवन नंबर पे आता है आपका स्किल, क्या आती है स्किल। स्किल में क्या होता है, जैसे आपने कुछ कोई चीज सीख रखी है, ठीक, आपने कोई चीज सीख रखी है, ठीक, जैसे कोई चीज नया सीखा है, जैसे आपने कंप्यूटर सीखा है ना, तो जैसे आई हैव लर्न, क्या है, लर्न, कौन सा कंप्यूटर में कोर्स रखा है, जैसे आई हैव लर्न डीसीए, आपने एडीसीए, ठीक, आपने एक्स्ट्रा में कोई चीज कर रखी है, जैसे आई हैव कोई चीज दूसरी कर रखी है,
I have learned life changing course. क्या आपने ये भी कर रखा है? ठीक, आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है? ठीक, आपने जैसे सीख लिया I have learned डांस, जैसे आपने डांस सीख लिया है, तो ये सब आपकी क्या है, स्किल है। ठीक, आई हैव लर्न्ड सिंगिंग, ठीक, आपने जो भी ये सीख लिया है, ठीक, वो स्किल में आता है। आई हैव लर्न्ड DCA कोर्स, आई हैव लर्न्ड लाइफ चेंजिंग कोर्स, आई हैव लर्न्ड, आप जो भी आप सीख चुके हैं, ठीक, ये एक्स्ट्रा में बताना रहता है। अगला आता है एक्सपीरियंस, क्या आता है, 8 नंबर पे आता है एक्सपीरियंस। ठीक, एक्सपीरियंस में क्या रहता है, देखिए, ठीक, एक्सपीरियंस में क्या रहता है, देखिए, आई हैव, जैसे आपने कोई काम किया है लाइफ में, या आप जैसे कुछ भी काम नहीं किए हैं, ठीक, कुछ जैसे आपने काम किया है, जैसे आपने कोई मैकेनिक का काम किया है, किसी कंपनी में काम किया है, कहीं आपने पढ़ाया है, या कहीं आप जो भी, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आई हैव टू, आप बोलेंगे आप जितने भी साल के हैं, आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन टीचिंग बैकग्राउंड, ठीक, आई हैव 5 एक्सपीरियंस इन टीचिंग बैकग्राउंड, ठीक, या आपने आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस, किसी कंपनी में आपने काम कर रखा है 2 साल 3 साल, जैसे लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं क्या, सूर्या कंपनी, आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन बजाज कंपनी, ठीक, बजाज इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगा, लिमिटेड, ठीक, आपने बजाज इंडस्ट्रीज में काम कर रखा है। ठीक, अगला आता है 9 पॉइंट पे, देखिए, ठीक, इसको हम मिटा देंगे, ठीक, देयर आर क्या बोलेंगे, इसमें बोलते हैं देयर आर, क्या बोलते हैं, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, देयर आर 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 मेंबर इन माय, मेंबर्स इन माय फैमिली, आपके घर में जितने भी लोग हों, ठीक, ठीक, यहाँ पर देयर आर 5 मेंबर इन माय फैमिली, और सर माय फादर इज ए, क्या आपके फादर क्या है, जो भी है, या मैनेजर हैं, ठीक, मैनेजर, ए मैनेजर इन कंपनी, ठीक, आपकी मदर क्या है, शेयर माई मदर इज अ होम मेकर, ठीक, होम मेकर, ठीक, ठीक, अगर अगला बताना है, जैसे अपने माँ पेरेंट्स के नेम बताना है, ठीक, इतना समझ में आ गया ना, फिर पेरेंट्स के नेम देखिए, ठीक, देखिए, माई फादर, सर माई फादर्स नेम इज, आपके जो भी फादर का नेम है मिस्टर, या माई मदर्स नेम इज
मिसेज, ठीक। आपके फादर का नाम क्या है? माय फादर्स नेम इज मिस्टर चोबी है, ठीक। मिसेज यहाँ पे वो भी बोल देंगे, ठीक, ये बोल देंगे, ठीक। अगला लिख दिया हमने नाइन नंबर फे, ठीक। जैसे माय फादर्स नेम मिस्टर राम कुमार, ठीक, या माय मदर नेम इज मिसेज, मिसेज लिख दिया रामदेवी, ठीक, ये लिख दिया, तो आपका ये हो गया। इसमें क्या है आपके फैमिली में। अगला जो आ जाता है आपके नंबर पे, दस नंबर पे आपके आ जाता है हॉबी, ठीक। क्या आ जाता है भैया? हॉबी। क्या आ जाता है? या हॉबीज, ठीक। हॉबी में क्या आता है? शर माई हॉबीज आर, क्या बोलेंगे? शर माई हॉबीज आर, क्या है आपकी हॉबीज? क्या है? जैसे आप सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, ये आपको रीडिंग पसंद, जो आपको चीज पसंद है। हॉबी का मतलब होती जो आपकी चीज पसंद है। जैसे माई हॉबीज क्या है आपकी हॉबीज? माय हॉबी आर क्या है? माय हॉबी आर सिंगिंग एंड डांसिंग, माय हॉबीज आर रीडिंग एंड प्लेइंग, माय हॉबीज आर आपकी जो भी एक्स्ट्रा है, ठीक। क्या माय हॉबीज क्या लिखेंगे? माय हॉबीज आर प्लेइंग एंड रीडिंग, आपकी क्या है? खेलना और पढ़ना, ये मेरा हॉबीज है, ठीक। माई हॉबीज आर प्लेइंग एंड रीडिंग, ठीक। माई हॉबीज आर डांसिंग एंड सिंगिंग, माई हॉबीज आर जो भी आपकी हॉबीज हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टेन नंबर पे आता है आपका अलेवन नंबर पे, ठीक। इसको मिटा दिया जाए, देखिए अलेवन नंबर पे आता है हम लोगों का, देखिए अलेवन नंबर पे आता है आपका माय स्ट्रेंथ, क्या आएगा? माय स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक। शर माय स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती क्या है? आपके बात करने का तरीका। माय स्ट्रेंथ इज माय कम्युनिकेशन स्किल, क्या? कम्युनिकेशन स्किल, ठीक। आपके जो बात करने का जो स्किल है वो आपकी स्ट्रेंथ है। या माय स्ट्रेंथ इज माय फ्रेंड, क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन स्किल में तो बात करने का ढंग, जो आपके बात करने का ढंग है वो आपकी मजबूती है। भाई आप किसी से बात करते हैं ना, तो आपको मतलब आप किसी को गलत कहेंगे सही कहेंगे, तो आपको जैसा कहेंगे आपको वैसे जो बर्ताव होगा ना, तो वही आपकी मजबूती है, ठीक। अगर आप जैसे हैं मजबूती में, जैसे आप कुछ और भी लिख सकते हो, माय स्ट्रेंथ इज माई फ्रेंड भी डाल सकते हो, आप माई फैमिली भी डाल सकते हो, ठीक। भाई किसी आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड होते हैं ना, आपकी हेल्प करते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? आपके फ्रेंड जो होते हैं आपकी हेल्प करते हैं, तो क्या हो जाएगा? सर माई स्ट्रेंथ इज माई फ्रेंड। आपके पेरेंट्स पढ़ाते लिखाते हैं ना, तो क्या होते हैं? माई स्ट्रेंथ इज माई पेरेंट्स। आपकी माई स्ट्रेंथ, अगर आपकी कोई फैमिली में हेल्प करता है तो क्या बोलोगे? माई स्ट्रेंथ इज माई फैमिली, ठीक। जो भी माई स्ट्रेंथ इज माई ब्रदर, माई स्ट्रेंथ इज माई सिस्टर, आप जो भी बोल सकते हो, ठीक। अगला है आता है आपका वीकनेस, क्या आता है? वीकनेस, वीकनेस में आपकी आपकी कमजोरियां बतानी है, ठीक। अगर कमजोरियां भी बतानी है वो ऐसे बतानी है कि व्यक्ति क्या है वो फील ना करे कि वो व्यक्ति, कि आपको मतलब निगेटिवपन भी नहीं आया, ठीक। कमजोरी में बताना है, जैसे सर माई वीकनेस इज क्या है? आई मैं I help poor. I help क्या हो जाएगा? I help the poor. I help the poor. I always ऐसे लिखेंगे, sorry. देखिए क्या लिखेंगे? I always helps the poor.
सर मेरी कमजोरी क्या है ना, ठीक क्या लगे सर, माय वीकनेस आई ऑलवेज हेल्प द पुअर्स, मैं गरीब मतलब मैं गरीबों की सहायता करता हूँ, ये मेरी कमजोरी है, तो क्या हो जाएगा आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब इतना कहने के बाद ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, मतलब सर मेरे बारे में यही सब कुछ था, इसके लिए आपका धन्यवाद, ठीक। मतलब इतनी देर हमने बोला तो उसको भाई वो सुना है आपकी मतलब इंट्रोडक्शन, तो मतलब ये आपको मतलब बोलने का हक बोलता है कि उसने सुना है तो उसके लिए धन्यवाद, ठीक। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ठीक। इतना बोलने के बाद अब हम लोग एक एक पॉइंट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। देखिए हमने देखना आ जाओ। अब फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं इसका, यहाँ पे आते हैं। देखिए रिवीजन में आपको एक ही बार में लर्न करना, ठीक, कैसे बोलना है। देखिए पहले क्या बोलेंगे थे, फर्स्ट पॉइंट पे ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू, माय नेम इज, नेम में आ जाएंगे, माय नेम इज, आपका राहुल सिंह नाम है, माय नेम इज राहुल सिंह, आई बिलोंग टू बेनीगंज, आई लिव इन बेनीगंज एट हरदोई, ऐसे भी बोल सकते हैं, या आई लिव एट हरियाणा इन इंडिया भी बोल सकते हो, या आई लिव एट गुड़गांव इन हरियाणा भी बोल सकते हो, या आई लिव एट हरदोई इन उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हो, या आई लिव एट पटना इन बिहार, आप ये भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम हरदोई, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आप इसमें बोल सकते हो प्लेस में, ठीक। फिर आ जाता है आपका प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन में आप जो भी काम कर रहे हो, प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे मैं सर अभी तो स्टूडेंट हूँ, तो क्या बोलेंगे, सर आई एम नाउ आई एम स्टूडेंट, या आप टीचर हो, आई एम
टीचर, अगला बोलते हो आई एम, जैसे आप कोई काम कर रहे हो मैकेनिक का, सर आई एम मैकेनिक। आई आप जैसे आप टेक्नीशियन हो, सर आई एम अ टेक्नीशियन। जैसे आप कोई आप किसान हो तो आई एम श्योर आई एम फार्मर। और जैसे आप कोई अदर काम कर रहे हो तो सर उसमें बोलते हो, जैसे आप मिस्त्री हो तो सर आई एम मेसन। जैसे आप कारपेंटर हो, सर आई एम कारपेंटर। ठीक, ये हो जाएगा। आप उसमें ये बोल सकते हो प्रोफेशन में, सर आई एम टीचर, सर आई एम स्टूडेंट, सर आई एम कारपेंटर, सर आई एम, ठीक, आप जो भी हो, ठीक, ये बोल दोगे। फिर आ जाता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हो या आप क्या कर रहे हो। ठीक, उसमें जैसे सर आई स्टडी इन क्लास 12th। आप अगर 12th क्लास में पढ़ रहे हो, या बोलेंगे आई स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड, आई स्टडी इन 7th क्लास, आई स्टडी इन क्लास 7। ठीक, ऐसे बोलेंगे। ठीक, या सर आई एम परसुइंग, सर आई एम परसुइंग बी ए फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, या बोलेंगे आई एम परसुइंग बी एड फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, या आई एम परसुइंग एम ए फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, आई एम परसुइंग बी एड फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। आप जो भी चल रहा है, ठीक, या आपने जो भी आपने कर लिया है, तो इसके लिए आई हैव डन, क्या बोलेंगे, आई हैव डन ग्रेजुएट। आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन। आपने अगर कोई इसके ऊपर डिग्री कर ली है तो क्या बोलेंगे, आई हैव डन बी एड, आई हैव डन एम एड, आई हैव डन एम फिल, आई हैव डन बी फार्मा, आई हैव डन एम फार्मा, आई हैव डन या आईआईटी, आई हैव डन जो भी। ठीक, इसके आगे आता है आपकी स्किल। स्किल में वो रहता है जो आपने आपके अंदर जो स्किल होती है, मतलब जो आपने कोई सीख रखा है, जैसे आपने डांस सीख रखा है, जैसे आपने कोई टीचिंग स्किल होती है, या आपने जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, आप जैसे यही रहती हैं स्किल में। जैसे ऐसे आपने स्किल आई हैव लर्नड एडीसीए कोर्स। कंप्यूटर में दो तीन टाइप्स के होते हैं, आई हैव लर्नड, या सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर आपने कोर्स किया, आई हैव डीसीए वर्स, आई हैव लर्नड बेसिक ऑफिस वर्क। ठीक, ये हो जाएगा। एक्सपीरियंस में क्या रहता है, आपका अनुभव, जैसे आपने कहीं काम किया है, ठीक, किसी पे किसी चीज़ का अनुभव लिया है, तो जैसे आपने किसी कंपनी में किया है, तो उसमें जैसे दो तीन साल काम किया है, तो इसमें क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस में आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन बजाज कंपनी इन हरियाणा। ठीक, या आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग बैकग्राउंड इन GIC, या बोलेंगे आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मल्टीनेशनल कंपनी, ये भी बोल देंगे। फिर आता है आपका फैमिली के बारे में। फैमिली में जैसे बोलते हैं, सर देर आर 6, जैसे आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, आप उतने में 5 हैं 4 हैं 2 हैं 3 हैं, तो बोलेंगे सर देर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली, देर आर 4 मेंबर इन माई फैमिली, देर आर 5 मेंबर इन फैमिली, सर माई फादर, क्या बोलेंगे, सर माई फादर फादर इज ए टीचर, माई फादर नेम इज ए मिस्टर राम कुमार, या माई मदर इज ए होम मेकर, माई मदर इज ए टीचर, माई मदर इज ए आपकी जो भी है, ठीक है, माई मदर नेम इज ए मिसेज रामदेवी या रामकली, ठीक है, या आपकी फिर आती है आपकी हॉबीज। हॉबीज में क्या रहते हैं, आपके जिसमें कोई शौक रहते हैं, ठीक, आप क्या क्या हॉबीज हैं, जैसे आप बोलते सर हमें मोबाइल चलाना अच्छा है सर, या सर आप मतलब जैसे गेम खेलना पसंद है, तो क्या हो जाएगा, आपको पुस्तक पढ़ना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, तो उसमें ये आ जाता है हॉबीज में, क्या बोलेंगे, सर माई हॉबीज आर सिंगिंग एंड डांसिंग, माई हॉबीज आर प्लेइंग एंड रीडिंग, माई हॉबीज आर टीचिंग, आप जो भी आपकी हॉबीज हो। फिर आपका जाता है गोल, आपका एम, मतलब आप गोल ये होता है आपका उद्देश्य, मतलब लाइफ में आप क्या बनना चाहते हो, सर आई वांट टू ए टीचर, सर आई वांट टू ए इंजीनियर, सर आई वांट टू ए डॉक्टर, सर आई वांट टू ए मैकेनिक, सर आई वांट टू ए टेक्नीशियन, आप जो भी यहाँ पे पढ़ना चाहते हो, या सर आई वांट टू ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप उसमें। फिर आपकी आ जाती है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ
मीन्स होता है मजबूती। मजबूती में वो चीज़ बतानी होती है, जैसे आपकी कोई कोई दोस्त हेल्प करता है, आपके पेरेंट्स हेल्प करते हैं, आपके कोई फैमिली में हेल्प करता है, वो आपकी मजबूती हो जाती है। फिर उसमें ये बोला जाता है, सर माई स्ट्रेंथ इज माई पेरेंट्स, माई स्ट्रेंथ इज माई फ्रेंड्स, माई स्ट्रेंथ इज माई ब्रदर, माई स्ट्रेंथ इज माई फैमिली। ठीक, फिर वीकनेस में क्या आ जाएंगे, सर आपकी भी अब कमजोरी भी बतानी होती है कि भाई आप, सर आप अपनी एक कमजोरी बता के दिखाओ, तो कमजोरी भी ऐसी बतानी है ना, वो कमजोरी नहीं लगनी चाहिए। तो क्या हो जाएंगे, सर सर आई ऑलवेज हेल्प पुअर्स, हेल्प दी पुअर्स, नहीं सर आई ऑलवेज हेल्प दी पुअर, मैं गरीबों की सदैव हेल्प करता हूँ। आपको हेल्प करना मतलब ऐसी भी कमजोरी बताना है कि हाँ उस पर अच्छा इम्पेक्ट पड़े, मतलब अच्छा प्रभाव पड़े जिससे आप बता रहे हैं। फिर बोला जाता है दैट्स, फिर आप इंट्रोडक्शन अपना ख़त्म करते हो तो एक लाइन और बोली जाती है कि सर दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक, यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। तो आज हमने डियर स्टूडेंट, आज हमने बताया इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को अभी भी बताया है, ठीक है, आपको भी सीखना कैसे देते हैं। ठीक, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, आप लोगों को एक एक चीज़ लिख लेनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये लड़की बताती है आपको, उसी तरह भी प्रैक्टिस घर पर करना, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू आस्क यू हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, स्टार्ट। थैंक यू सर, गिव मी अपॉर्चुनिटी। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ प्रगत वर्मा, आई बिलोंग टू बलवार खेड़ा, आई एम ए स्टूडेंट, आई स्टडी इन क्लास 7, देयर आर 4 मेंबर्स आर माय फैमिली, माय फादर नेम इज़ मिस्टर प्रवीण कुमार वर्मा, माय मदर नेम इज़ मिसेस गीता वर्मा, माय फादर इज़ शॉपकीपर, माय मदर इज़ होम मेकर। ओके, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, योर प्रोफेशन बतानी है भी। I am a student. फिर नेक्स्ट, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? I study in क्लास 7th. ओके, फिर आते हैं फैमिली हो गया। आपकी हॉबीज क्या है? व्हाट इज योर हॉबीज? My hobby is reading and playing. ओके, योर हॉबीज इज रीडिंग एंड प्लेइंग, एंड व्हाट इज योर, फिर इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? माय स्ट्रेंथ इज माय फैमिली। हां, योर स्ट्रेंथ इज माय योर फैमिली। ठीक, फिर नेक्स्ट, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर, लास्ट में थैंक यू बोला जाता है ना। यस सर। ठीक, ओके, आपको याद हो गया ना? यस सर। ठीक, ओके, ठीक है। आप लोगों ने जाना कैसे, लड़की ने थोड़ा अभी बच्ची है ये, थोड़ा आप मतलब अभी हेजिटेशन लाती है। एक्चुअली क्या है, अभी इसने सीख लिया है, बच्चे क्या हैं, थोड़ा हेजिटेशन हो जाता है। ठीक है, इसकी टेंशन लेना कि ये एक बार दो बार में, एक बार में इसने इतना ही कैच कर लिया। ठीक है, अगर एक मतलब पढ़ के आई थी तो शायद पूरा बताती। आप एक दो या दो तीन बार प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और इसको आप दो तीन बार प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक ये इंट्रोडक्शन आ जाएगा। थैंक यू।